आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है कैशा, जो कि एक मैजिशियन का असिस्टेंट होता है। और जहाँ पर जो मेन मैजिशियन होता है वो उसके खुद के अंकल होते हैं और वो इन्हीं को असिस्ट करता है। और जिस मैजिक को ये परफॉर्म करते हैं उसका नाम होता है थ्रू दी वॉल, यानी कि दीवार के पार, जहाँ कैशा को दिखाया जाता है जो कि एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है अपने एक दोस्त के साथ। उसकी मकान मालकिन उसे समय समय पर किराया भुगतान करने के लिए बोलती रहती है, और कभी कभी जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता उसके मैजिक शो में तो उसके अंकल भी उसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। और इसी वजह से वो फील करता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है और वो एक बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहा है। लेकिन तभी उसको एक लड़की दिखती है जो कि उसके अंकल से मिलने आती है और जो कि एक रिपोर्टर होती है जिसका नाम होता है एलिसा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसको देखकर कैशा इससे अट्रैक्ट हो जाता है। एलिसा यहाँ पर आती है उसके अंकल का इंटरव्यू लेने। कैशा जब इस लड़की को नोटिस करता है वो इससे दोस्ती भी करना चाहता है और बात भी करना चाहता है, लेकिन उसके अंकल उस लड़की तक पहुँचने नहीं देते और उससे बात करने नहीं देते। जहाँ दूसरी तरफ एलिसा भी कैशा से बात करना चाहती थी क्योंकि वो इस मैजिक के बारे में और बातें भी जानना चाहती थी। जैसा कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है तो वो इसी पर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। और एक दिन दिखाया जाता है जब कैशा अपने अंकल के साथ मैजिक शो में परफॉर्म कर रहा होता है, और उसी टाइम वो नोटिस करता है कि उसी शो को देखने के लिए एलिसा भी आई है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई है साथ। और एलिसा उस फ्रेंड को काफ़ी पसंद करती थी, जिस चीज़ को देखकर कैशा काफ़ी उदास हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता। अब शो के दौरान कैशा के अंकल एलिसा को इनवाइट करते हैं शो का हिस्सा बनने के लिए या फिर मैजिक का हिस्सा बनने के लिए, मगर यहाँ पर एलिसा का बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि उसकी जगह पे वो परफॉर्म करेगा। जहाँ कैशा काफ़ी जेलसी में होता है, और इसी चीज़ के साथ साथ जब वो इस मैजिक शो को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एलिसा के बॉयफ्रेंड को हर्ट करता करता रह जाता है, जिसकी वजह से कैशा के अंकल उसको जॉब से निकाल देते हैं। और जहाँ कैशा इस बात को साइड में रख के कि एलिसा का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है वो फिर भी उससे बात करना चाहता है, और कैशा एलिसा को दोबारा से अप्रोच करता है एक रेस्टोरेंट में जाकर जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, और इनसे बात करने की कोशिश करता है। और जब वो दोनों उस रेस्टोरेंट को छोड़ के घर के लिए निकलते हैं तो कैशा उन दोनों का पीछा करता है। अब ये दोनों एक ऐसे अपार्टमेंट में जाते हैं जिसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और जिसके मेन गेट पर ही एक कोड लगा होता है जिसको डालने के बाद ही वो एंटर कर सकते हैं। तो कैशा उस बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाता क्योंकि बाहर एक कोड वाला गेट होता है जिसको वो अनलॉक नहीं कर पाता। इसी की वजह से कैशा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और वहीं पर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। इसी दौरान जैसे ही वो अपनी सिगरेट पीने की शुरुआत करता है तो वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और वो उसको बोलता है कि अगर वो उसको $20 दे दे तो वो उसकी एक विश पूरी कर सकता है। जहाँ कैशा का दिमाग सारा एलिसा की तरफ ही होता है और वो उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, मगर वो उसको $20 निकाल के दे देता है। और जैसे ही कैशा उसको पैसे देता है तो वहाँ से वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है, और जिसकी वजह से कैशा काफ़ी अचंभित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये बंदा कहाँ गायब हो गया सडनली, जिस पर वो यही सोचता है कि उसने उससे झूठ बोला था और उसके पैसे लेके वो जा चुका है उसको पागल बना के। लेकिन उसी टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कैशा कुछ अजीब सा फील करता है, और ठीक उसी तरह जैसे कि वो मैजिक परफॉर्म करता था अपने शो में दीवार से उस पार जाने का, वो एकदम से दीवार के पार हो जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कैशा की नींद खुलती है क्योंकि उसके अंकल उसको कॉल कर रहे होते हैं। जहाँ कैशा जब उठता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता कि एक दिन पहले क्या हुआ था। वो ये भी नोटिस नहीं करता कि फ्लोर पे काफ़ी सारे पैसे बिखरे हुए हैं। लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसको एक न्यूज़पेपर में देखकर एक न्यूज़ के बारे में बताता है जिसमें ये लिखा होता है कि बैंक रॉबरी हुई है। रॉबरी भी ऐसी हुई है कि चोर पैसे तो लेके भागा मगर वो कुछ भी निशान छोड़ के नहीं गया और ना ही किसी चीज़ को तोड़ा। बिना किसी चीज़ को तोड़े वो अंदर एंटर कैसे हुआ और पैसे कैसे लेके भागा। और इसी चीज़ को सुनकर कैशा को वो सब चीज़ें याद आने लगती कि एक दिन पहले क्या हुआ था, क्योंकि पहले पहले उसको यही लगा था कि शायद उसने कोई सपना देखा है। और उसको ये भी याद आता है कि वो दीवार के पार जा सकता है क्योंकि उसके अंदर एक मैजिक आ गया है। तो जब वो एक रात पहले की सारी चीज़ें याद करता है तो ये पाता है कि एक रात पहले जब वो वहाँ बैठा हुआ था, वो जब उस दीवार के पार हो गया था तो अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था कि वो अंदर कैसे आ गया। और जिसके बाद वो इस चीज़ को समझना चाहता है तो वो अपना पैर एक ईंट पे मारता है जो कि उसके लग जाती है। जहाँ वो अचानक से एक्सीडेंटली एक दीवार के पार और चले जाता है जो कि एक बच्चे का रूम होता है, जो कि एक बीमार बच्चा होता है। जहाँ बच्चा उसको बोलता है कि वो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगा, और इस चीज़ को देख के काफ़ी अचंभित भी होता है कि ये यानी कि कैशा
इस रूम के अंदर कैसे आया। मगर कैशा को सिर्फ अलीसा से मतलब होता है, तो उस बच्चे से पूछता है कि अलीसा का रूम किस तरफ होगा। जहाँ पर वो बच्चा उसको इशारा करता है तो वो उसी तरफ जाने की कोशिश करता है। जहाँ वो ऊपर की तरफ देखता है तीन बंदे म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। और फिर वो दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि तीन लोग आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग कैशा को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ कैशा पूछता है कि वो कौन से फ्लोर पर है, और फिर दूसरी वॉल से दूसरी तरफ को निकल जाता है। जहाँ इस चीज़ को देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश ही हो जाता है। और अब फाइनली वो अलीसा के रूम में पहुँच चुका था, जहाँ वो देखता है कि अलीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी क्लोज आ चुकी है और बिना कपड़ों के है। जहाँ कैशा इस चीज़ को देखकर उन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है भाग की तरफ आवाज़ करते हुए, और वॉल पेंटिंग में से अपनी आँखों को हिलाकर अलीसा के बॉयफ्रेंड को डरा भी देता है। और इसके अलावा वो बैंक में भी जाता है जहाँ से वो पैसे चुरा लेता है। वो इन्हीं पैसों में से लैंडलॉर्ड को उसका किराया देके उसका किराया चुका देता है। और अब उसकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास एक सुपर पावर है और उसको काफ़ी खुश दिखाया जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कैशा एक ऑडी लेके घूम रहा होता है जो कि उसने खरीदी होती है, और जब वो रोड पर चल रहा होता है वहाँ पर उसको एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। वो कार के अंदर से ही नीचे की तरफ निकलता है और पुलिस वाले को प्रैंक करने की कोशिश करता है, उसके शू के लेसेस बांध देता है, और पुलिस वाले को ऐसे जताता है कि कार के अंदर कोई भी नहीं है। और इस चीज़ को देख के पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है और कैशा वहां से निकल जाता है उस कार को लेके। और इसके बाद वो अपने अंकल के पास भी जाता है, जहां पर जाके वो उनके साथ भी प्रैंक करता है, और यहीं पर वो अपने अंकल पे गुस्सा भी करता है और उनको निकाल देता है, क्योंकि उसके अंकल उससे कभी भी अच्छे से पेश नहीं आते थे। अगले सीन में कैशा के घर पर पुलिस आ जाती है, जहां पर पुलिस वालों को पता लग गया था कि कैशा ने ही बैंक में चोरी की है एक खत देकर। और पुलिस को ये चीज कैसे पता लगी थी कि उसी ने चोरी की है, वो इस खत के जरिए ही, क्योंकि इस खत में साफ साफ लिखा होता है कि वो ये पैसे लेके जा रहा है और साथ साथ में उसमें एड्रेस भी लिख देता है। अब कैशा यहाँ पर फंस चुका था, लेकिन उसके पास सुपर पावर्स थी तो यहाँ से वो भाग भी सकता था। उसी टाइम पर इस भीड़ में वहाँ की लैंडलॉर्ड भी आ जाती है उसी रूम में, और सडनली कैशा का फ्रेंड ये बोलता है कि उसको गैस लीक होने की स्मेल भी आ रही है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर अभी भी अच्छा है। और जब लैंडलॉर्ड गैस स्टोव को ऑन करती है तो वहाँ पर एकदम से आग लग जाती है उसी गैस लीक की वजह से। अब यहाँ पर बहुत बड़ी आग लग जाती है जिसके कारण सब मर भी सकते थे, मगर कैशा के पास सुपर पावर्स होती है जिसकी हेल्प से वो सबको बचा लेता है। अब क्योंकि कैशा ने बैंक रॉबरी करी थी और साथ ही साथ उसने उन लोगों को बचाया था जिसमें से बैंक का एक मेन इंचार्ज होता है, जो कि उसको इस सज़ा से मुक्ति दे देता है, उसको माफ़ कर देता है, और साथ साथ में जो उसके पास पैसा होता है जो कि उसने चुराया होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस दिलवा देता है। और जब वो जगह पूरी तरह जल जाती है तो कैशा और उसका बेस्ट फ्रेंड एक बड़े अपार्टमेंट में मूव कर जाते हैं, और वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड काफ़ी सारे लोगों को भी उस अपार्टमेंट में ले आता है जो कि होमलेस है। अब कैशा काफ़ी लड़कियों से मिलता है और उनमें से एक एक क्लोज भी होने की कोशिश करता है। जब वो अपने कपड़े उतार रहा होता है उसी दौरान वो अपनी सॉक्स भी उतारता है, और जैसे ही वो अपनी सॉक्स उतारता है तो एकदम से वो उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाता है। और जहाँ पर वो एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हुई थी। इसमें सोचने वाली बात थी कि अगर कैशा डायरेक्टली नीचे गिरता रहता तो वो कैसा मंजर होता, तो अभी कैशा बिल्कुल फ्री था। जिसके बाद वो अलीसा के पास वापस जाता है। जब वो वहाँ पर उसके रूम पर जाता है तो वो ये देखता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी आर्गुमेंट हो रही है, यानी कि अलीसा की। जहाँ पर कैशा दीवार के आर पार खड़ा हो जाता है, आधा दूसरी तरफ और आधा रूम के अंदर की तरफ, जहाँ पर से वो अलीसा और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन रहा होता है, और वो साथ ही साथ ये सब चीज़ें नोटिस करता है कि अलीसा को किस तरह का लवर चाहिए। अब कैशा को पता था कि अलीसा को किस तरह का लड़का चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि उसको एक आइडल कार भी चाहिए। अब कैशा को आइडिया हो जाता है कि उसको अलीसा को किस तरह से इम्प्रेस करना है। हालांकि उसको ये पावर्स उस अनजान आदमी ने इसलिए दी थी ताकि वो इस पावर्स का सही यूज़ कर सके और लोगों को खुश कर सके, उनकी मदद कर सके, मगर यहाँ पर वो ये पावर्स का यूज़ सिर्फ अलीसा को खुश करने के लिए कर रहा था, उसको पढ़ाने के लिए कर रहा था। और इसके बाद ही कैशा एक शॉप पर जाता है और वो एक कार परचेज करता है जैसा कि अलीसा को चाहिए थी। साथ ही साथ वो अलीसा के लिए कुछ फ्लावर्स भी खरीदता है। इसके बाद वो अलीसा के आने का वेट करने लगता है, और जब अलीसा वहाँ पर आती है तो वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसके आगे कन्फेस करने लगता है कि वो उसको कितना पसंद करता है। क्योंकि अलीसा अपने काम के लिए लेट हो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा
टेंशन में होती है ऑफिस पहुंचने की, तो वो इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती और अपने ऑफिस पहुंचने के लिए वो सीधा इसकी कार में जाके बैठ जाती है। जब वो ऑफिस पहुंच जाते हैं तो अलिसा जब अपने ऑफिस के अंदर जाती है, और क्योंकि वो लेट थी इसलिए उसका बॉस उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और उसको काफी डांटता भी है। इसके गुस्से का रीजन इसलिए भी होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो एक ब्रेकिंग रिपोर्ट लिखे, मगर अलिसा यहाँ पर एक रिपोर्ट लेकर आई होती है जिसमें बच्चों के कैंसर से रिलेटेड सब कुछ होता है। और ये सब चीजें कैशा सुन रहा होता है दीवार के आर पार होके, और एकदम से अलिसा का बॉस कैशा को नोटिस कर लेता है। और कैशा साथ साथ में इस दीवार के आर पार होता है जो कि दो फोटो के बीच में जगह होती है, जो कि दो लीडर्स की फोटो होती है। इसी चीज को देखकर अलिसा का बॉस काफी चौंक जाता है और वहां पर घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो उसको भी एक लीडर समझ रहा होता है। जहां एम्प्लॉयज उस रूम के अंदर एंटर करते हैं अपने बॉस को घुटने पर देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं अलिसा एक इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाती है क्योंकि होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, उसको वहां जाके इंटरव्यूज लेने हैं। और यहीं पर जब कैशा वापस अपनी गाड़ी की तरफ आता है तो अलिसा उसको कुछ पैसे देकर बोलती है कि मुझे उस जगह तक पहुंचा दो जहां पर मुझे इंटरव्यू लेना है, जैसे कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। अब जब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो यहां पर पहुंचते ही अलिसा प्रेस पास के जरिए अंदर चली जाती है। अब कैशा को भी अंदर जाना होता है मगर उसके पास वहां अंदर जाने का पास नहीं होता, और जब वो दीवार के जरिए भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां की सिक्योरिटी उसको पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि उसको दीवार की तरफ ही मुंह करके पकड़ रखा होता है तो वो सडनली उस दीवार के आर पार हो जाता है और वहां की सिक्योरिटी देखते रहते कि वो इंसान कहां गायब हो गया। यहां अलिसा का दिन काफी अच्छा जा रहा होता है और उसको चांस मिलता है एक बहुत बड़ा इंटरव्यू लेने का, और इसी बात की वजह से अलिसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी चीज को देखते हुए कैशा अपनी फीलिंग्स अलिसा के सामने रख देता है, मगर इस बात पर अलिसा साफ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। अगर मैं अपनी सोच के हिसाब से बोलूँ तो ये बहुत ही बड़ा अजीब आदमी था जो कि एक लड़की के पीछे घूम रहा था जो कि किसी और की गर्लफ्रेंड है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कैशा अलिसा को छूने की कोशिश करता है एक दीवार के आर पार अपना हाथ डालकर, और वहीं वो उसको किस करने की भी कोशिश करता है मगर उस जगह पर एक दूसरा बंदा आके बैठ जाता है जहाँ पर वो ये फील करता है कि उसके सिर पर कुछ टच हुआ। अब अलिसा के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉस काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उस कैशा के इंसिडेंट वाला केस होने के बाद से, और वहाँ पर वो एक फ्रेम भी लगाया जाता है क्योंकि कैशा वहाँ से निकल के आया होता है उन दोनों लीडर्स के बीच में से। और इसी चीज को लेकर वो अलिसा को प्रमोट कर देता है, उसको तरक्की दे देता है और साथ साथ में बोलता है कि तुम्हारा आर्टिकल आगे जाके काफी फेमस भी हो सकता है। और इसी चीज को लेकर अलिसा काफी कॉन्फिडेंट भी होती है कि वो एक दिन चीफ एडिटर बन सकती है, और इसी सपने को लेकर कैशा उसकी हेल्प करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली कैशा ने काफी कोशिश करी थी अलिसा को खुश करने की, मगर अलिसा अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा चाहती थी और उसको कैशा से कोई भी मतलब नहीं होता, जिस चीज को लेकर कैशा का दिल टूट जाता है। इसी के बाद कैशा उसी लड़के के साथ बैठा होता है, उसी बच्चे के साथ बैठा होता है जिसको एक रूम में दिखाया जाता है बीमार, और वहीं वो बच्चा कैशा को बोल रहा होता है कि उसकी मॉम उसको स्पेस में लेकर जाएंगी। मगर कैशा का दिमाग इस बच्चे की तरफ नहीं होता और उसका सारा ध्यान अलिसा की तरफ होता है, तो वो अलिसा के रूम की तरफ चले जाता है। पर अलिसा और उसका बॉयफ्रेंड सो रहे होते हैं और वहीं पे जाकर कैशा अलिसा को जगाता है, और जब वो अलिसा को उठाता है तो अलिसा को यही लगता है कि वो शायद एक सपना देख रही है, मगर कैशा उस चीज को जताने के लिए कि वो एक सपना नहीं देख रही है उसको उठाकर एक दीवार के पार लेके जाता है, और इसके बाद जाकर वो एक ट्रेन के ऊपर भी जंप करते हैं और यहाँ से वो फिर ट्रेन के डब्बे के अंदर भी चले जाते हैं। और यहाँ कैशा अलिसा को काफी ज्यादा एंजॉय करवाता है जहाँ पर अलिसा इसको अभी भी सपना समझ रही होती है, और जब अलिसा को पता लगता है कि वो सपना नहीं देख रही है इसके बावजूद भी अलिसा कैशा के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी चीज से कैशा गुस्सा होकर अलिसा के बॉयफ्रेंड के पास चले जाता है जो कि एक बॉक्सिंग क्लब में होता है, और वहां जाके उसको चैलेंज कर देता है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसको काफी बुरी तरह पीट देता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है, मगर कोई किसी को फोर्सफुली पसंद करवाना चाहता है तो वो चीज़ सही नहीं होती है। और एक बार फिर अलिसा को इम्प्रेस करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर अलिसा और उसका बॉयफ्रेंड लंच कर रहे होते हैं। अब क्योंकि अलिसा अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी तो उसको जबरदस्ती मनाने के लिए कैशा उस रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ चले आता है और विंडो पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग काफी ऊंची होती है तो उसके विंडो के बाहर की तरफ खड़े होकर वो उसको गिरने की धमकी देता है कि वो यहाँ से कूद जाएगा, जहाँ पर अलिसा इस चीज को भपकी समझती है और उसको कूदने के लिए नहीं रोकती। वहीं कैशा
किसी वजह से उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास दीवार से आर पार जाने की सुपर पावर थी, इस वजह से वो वापस से बच जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इस जगह से नीचे एक नाले में गिर जाता है जो कि पानी से भरा होता है। और इसी वजह से अलीसा काफी शॉक में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। अब वहीं कैशा अलीसा से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। जब वो उसकी तरफ जा रहा होता है तभी उसको वो बीमार बच्चा भी वहां पर दिख जाता है, जहां पर कैशा को पता लगता है कि उस बच्चे को ठीक होने के लिए $1,00,000 की जरूरत है। और इसके साथ ही वो बच्चा उसको बताता है कि उसने $50 जमा कर लिए हैं अपनी बीमारी के लिए। तो इसी के जरिए कैशा अपने अंदर झांकता है और उसको ये समझ में आता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम करने को है उसकी सुपर पावर्स को यूज़ करके, ना कि एक लड़की का पीछा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखते ही कैशा अपने सारे पैसे बच्चों को दे देता है जो कि कैंसर से लड़ रहे होते हैं। और इसके साथ ही कैशा ने जो भी मदद करी थी इन बच्चों की, इसके बारे में अलीसा को पता जाता है और इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि अलीसा भी काफ़ी रिच होती है, वो रिच होने के बावजूद भी इन बच्चों की मदद करना चाहती थी। और इसके साथ साथ अलीसा एक ऐसा इंसान चाहती थी जो कि उसी की तरह एक काइंड हार्टेड हो। अब अलीसा को दिखाया जाता है जो कि कैशा का पीछा करती है, उसकी तरफ भागती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके कैशा के साथ। और वहीं अलीसा कैशा के पास आ जाती है और उसको किस कर लेती है। और अब कैशा को सब कुछ मिल चुका था जो भी उसको चाहिए था, तो इसीलिए वहीं पर वो अनजान आदमी आया था जिसने कैशा को सुपर पावर्स दी थी और वो उससे वो शक्ति वापस ले लेता है। और वहीं वो अनजान आदमी अब दूसरा इंसान ढूंढ रहा होता है जो कि उसको $20 उधार दे सके और ये उसको उसके बदले उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको कोई सुपर पावर दे दे। और यही है मूवी का एंड। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। और जो मूवी एक्सप्लेन करी गई है, इस मूवी का नाम था किस थ्रू द वॉल, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मूवी कैसी लगी, इस मूवी की कहानी कैसी लगी। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।